हेलो एवरीवन वेलकम टू द सेशन आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ग्रेड सिक्स पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की बुक एग्रीकल्चर और उसका सेवेंथ चैप्टर मेजर फ्रूट क्रॉप्स इन पंजाब पंजाब में कौन कौन से फ्रूट उगाए जाते हैं उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे देखिए हमें सबको पता है कि जो फ्रूट्स होते हैं वो कितने टेस्टी होते हैं और वो हमारी हेल्थ के लिए भी बहुत जरूरी होते हैं है नहीं, कि कि नहीं हमारी बॉडी के सारे अंग ठीक से काम करें उसके लिए फ्रूट्स का होना बहुत जरूरी है आपकी डाइट के अंदर इनसे हमें वाइटाम्स मिलते हैं मिनरल्स मिलते हैं बहुत सारे एंटी मिलते हैं पिगमेंट्स मिलते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स वो चीजें होती हैं जो आपको हेल्प करती हैं आपकी बॉडी को बीमारियों को फाइट करने में तो उसके लिए फ्रूट्स का होना बहुत जरूरी है बैलेंस डाइट का होना बहुत जरूरी है और डेली 100 ग्राम फ्रूट्स तो खाने ही खाने हैं अब जो फ्रूट्स होते हैं उनमें बहुत सारा विटामिन होता है जैसे अगर मैं बात करूं वाइटामिन ए की तो वो आपको मिलेगा मैंगो और पपाया में वाइटामिन सी आपको मिल जाएगा आमला के अंदर गुआवा के अंदर सिट्रस फ्रूट्स जो खट्टे होते हैं बेर के अंदर मिल जाते हैं प्रोटीन्स मिलते हैं आमंड्स वॉलनट्स जो आप सर्दियों में खाते हो ड्राई फ्रूट्स मिनरल्स जैसे कैल्शियम हो गया वो मिलता है लीची के अंदर आयरन मिलता है आपको करौंडा के अंदर फेक के अंदर डेट के अंदर और पोटेशियम सबसे ज्यादा याद रखना इंपॉर्टेंट है केले के अंदर मिलता है इसके अलावा किनू गुआवा मैंगो स्वीट ऑरेंज पियर बेर लीची पीच ये कुछ मेजर फ्रूट्स हैं जो पंजाब में उगाए जाते हैं इसके अलावा आपको लाइन नींबू मिल जाएगा गलगल -गल मिल जाएगा ग्रेप्स प्लम आमला मिल जाएगा लोकाट मिल जाएगा पॉमिग्रनेट मतलब अनार मिल जाएगा पपाया चीकू फलसा मिल जाएगा ये सारे फ्रूट्स जो हैं कुछ क्वांटिटीज़ में उगाए जाते हैं पंजाब के अलग अलग एरिया के अंदर तो जो एरिया पंजाब का फ्रूट से कवर्ड है वो है सेवेंटी सिक्स हेक्टेयर और इसका ज्यादातर हिस्सा सिट्रस फ्रूट से कवर्ड है सिट्रस फ्रूट होते हैं जो खट्टे होते हैं टेस्ट में और वो एरिया है फिफ्टी थाउजेंड हेक्टेयर मतलब सेवेंटी सिक्स थाउजेंड हेक्टेयर जो फ्रूट से कवर्ड एरिया उसमें से फिफ्टी थाउजेंड हेक्टेयर जो है वो सिट्रस फ्रूट से कवर्ड है तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बता ही देती हूँ सिट्रस फ्रूट्स में क्या चीजें आ जाती है किनू स्वीट ऑरेंज लाइम लेमन कलगल ग्रेप फ्रूट आ जाता है इसके अंदर तो जो कीनु है वो सबसे ज्यादा उगाया जाता है पंजाब के अंदर इसके अंदर बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो आपको बीमारियों को फाइट करने में मदद करते हैं खास तौर पे कैंसर जैसी बीमारी फाइट की जा सकती है किनू खाने से अब ये कहाँ कहाँ उगाए जाते हैं होशियारपुर फिरोजपुर फाजिलका फरीदकोट मुक्सर बठिंडा तो जो किनू है उसको उगाया जाता है फेब और मार्च के अंदर और सितंबर और अक्टूबर के अंदर ये याद रखना दूसरी चीज गुआवा गुआवा को बोलते हैं हम लोग अमरूद तो ये नंबर टू पे आता है सिट्रस फ्रूट्स के बाद बाकी फ्रूट से कंपेयर किया जाए तो इसकी जो कल्टीवेशन है जो उगाया जाता है थोड़ा कम उगाया जाता है लेकिन आपको फिर भी ऑलमोस्ट हर जगह पे अमरूद मिल ही जाएगा पंजाब के अंदर अमरूद के अंदर विटामिन सी बहुत ज्यादा होता है मतलब एक साइड अमरूद एक साइड ऑरेंज जो अमरूद है उसमें टू टू फाइव टाइम्स ज्यादा होता है विटामिन सी ऑरेंज के कंपैरिजन में और दस टाइम्स ज्यादा होता है टमेटो जो हमारा टमाटर होता है उसके कंपैरिजन में इसके अलावा अगर आप अमरूद खाते हो आपको कैल्शियम मिलता है फॉस्फोरस मिलता है आयरन मिलता है और बीमारियों से फाइट करने के लिए एंटी भी मिलते हैं ये आपका ब्लड प्रेशर मेंटेन करके रखता है। अब पंजाब में अलग अलग वेराइटी है जो अमरूद के मिलती है पर कुछ बहुत फेमस है तीन एक पंजाब पिंक थोड़ा अंदर से पिंक होता है सरदार और एक अलाहाबाद सफेदा ये तीन वैरायटी सबसे ज्यादा अमरूद की फेमस है तो जो ये अमरूद है इसे साल में दो बार उगाया जाता है एक फेब और मार्च में और एक अगस्त और सितंबर में जो विंटर में गुआवा मिलता है ना वो बेहतरीन होता है मतलब सर्दियों का जो अमरूद होता है क्योंकि जब रेनी सीजन में गुआवा उगता है अमरूद उगता है ना तो उसे अलग अलग तरीके की बीमारियां लग जाती है जिसे हम नहीं खा सकते अगला मैंगो आप सबका फेवरेट जिसे हम बोलते हैं किंग ऑफ फ्रूट्स पंजाब में ये तीसरे नंबर पे अपना स्थान ऑक्यूपाई करता है अगर हम वाइटामिन की बात करें तो सबसे ज्यादा वाइटामिन ए आपको मैंगो से मिलता है और अलग अलग स्टेजेस जो होते हैं ना मैंगो के उसको हर जगह पे यूज किया जाता है कच्चा आम चटनी बनाने के लिए अचार बनाने के लिए अमचूर आम पापड़ बनाने के लिए एक बार फ्रूट पक जाता है तो जूस बनाने के लिए मुरब्बा स्क्वैश बनाया जा सकता है तो ये जो मैंगो है थोड़े मतलब सब माउंटेनियस डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है थोड़ा ऊंचाई पे जो एरिया होता है जैसे होशियारपुर शहीद भगत सिंह नगर गुरदासपुर फतेहगढ़ साहब चंडीगढ़ में पाया जाता है अब इसकी कौन कौन सी वैरायटी होती है दशहरी लंगड़ा अल्फोंसो अल्फोंसो तो बाहर भी जाता है यूरोप में तो इसको जो उगाया जाता है मैंगो को फेब मार्च में उगाया जाता है और सितंबर अक्टूबर में उगाया जाता है अगला है पियर जो पियर होता है उसे हम पंजाबी में बोलते हैं नाशपति इसको उगाया जाता है अमृतसर गुरदासपुर जलंधर के अंदर इससे पी से पियर पी से प्रोटीन होते हैं इसके अंदर ए बी फॉस्फोरस होता है, है आयरन होता है इसे उगाने का जो टाइम है वो मिड फेब्रवरी तक का है अब सबसे फेमस वेराइटी जो इसकी है वो है पाथरना पंजाब ब्यूटी बब्बू गोशा पंजाब सॉफ्ट अब बात करते हैं बेर की आ गया गाना याद मुझे भी आ गया जो बेर है वो सबसे पुराना फ्रूट और सबसे कॉमन फ्रूट है जो पंजाब में पाया जाता है संगरूर में पाया जाता है पटियाला मानसा बठिंडा फजिलका फिरोजपुर के अंदर सबसे ज्यादा उगाया जाता है बेर से मेरी बेरी के बेर मत तोड़ो बी से बेर उससे अगला लेटर याद रखना वाइटामिन सी में रिच होता है कैल्शियम में रिच होता है फॉस्फोरस आयरन में रिच होता है प्रोटीन में रिच होता है इसका ना एक चार्ट बना लेना और साथ ही साथ आपके खून को भी प्यूरिफाई करता है डाइजेशन में हेल्प करता है पचाने में हेल्प करता है तो अलग अलग तरीके के बेर जो है वो पाए जाते हैं एक है उमरान एक है सनोर एक है अवलैती तो जो प्लांट है उसे ट्रांसप्लांट किया जाता है थोड़ी बड निकला है थोड़ा हिस्सा निकला है ना उसके बाद उसे नर्सरी से उठा के जहां भी उगाया जा रहा है खेतों में लगाया जाता है फेब मार्च में और अगस्त सितंबर के अंदर अगला लीची मतलब मुझे तो लीची बहुत पसंद है आप बताना आपको पसंद है या नहीं लीची उगाई जाती है होशियारपुर में गुरदासपुर में रूपनगर में एस एस नगर में मोहली और कुछ हिस्से जो पटियाला के हैं वहां पे भी उगाई जाती है लीची सिट्रस फ्रूट जितने उनमें वाइटामिन सी होता है वाइटामिन सी में बहुत रिच होती है कैल्शियम फॉस्फोरस पोटेशियम होता है अगर लेडीज uh, को ब्रेस्ट कैंसर है ये उसको भी ठीक करने में मदद करती है और लीची जो उगाई जाती है ना वो जब बारिशें खत्म होती हैं सितंबर के आसपास लगाई जाती है इसकी अलग अलग वैरायटी होती है देहरादून कैलकटिया और सीडलेस आगे चलते हैं पीच पीच को बोलते हैं आड़ू तो पीच जो है वो एक टेम्परेट फ्रूट है जो कि उगाया जाता है पंजाब के अंदर ज्यादातर तरन तारण जलंधर पटियाला शहीद भगत सिंह नगर के अंदर इसे काफी मात्रा में उगाया जाता है गुरदासपुर के अंदर पीच जो है वो भी प्रोटीन में रिच होता है विटामिन ए बी और मिनरल्स और एक साल का जो पीच का बूटा होता है नर्सरी से उठा के उसे प्लांट किया जा सकता है जनवरी के मिडिल तक और उसके बाद वो ग्रो करना शुरू कर देता है अब इसकी भी अलग अलग वैरायटी है पीछ की जिसे हम आड़ू बोलते हैं प्रताप पंजाब, प्रभात, श्रावती और पंजाब नेक्ट्रिन वैरायटी होती है ना जैसे मैंगो की है अब जनरली हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा अब आप भी उन्हें याद कर लो कि जब भी आप कुछ भी उगा रहे हो फ्रूट उगा रहे हो तो उसका जो खड्डा है एक मीटर ऐसे और एक मीटर ऐसे होना चाहिए वाइड भी और डीप भी इतना क्लियर हो गया और ये जो खड्डा है जब आपने प्लांट लगा दिया उसके बाद अगर आप उसके अंदर मिट्टी डाल रहे हो तो साथ के साथ कुछ खाद भी डालनी जरूरी होती है तो मतलब जितनी मिट्टी डालोगे उतना ही फार्मयार्ड मेन्योर खाद भी डालना बराबर हिस्सों में उसके अलावा 15 एम इसके अंदर क्लो फेरोपोस भी डाल देना जो कि आप मिला देते हो 15 एम एल दो किलो सॉइल के अंदर सफिशियंट होता है ताकि वाइट एंड जो चीटी होती है वो ना लगे और इसको ना पानी देना बहुत जरूरी होता है प्लांट करने से पहले भी और प्लांट करने के बाद भी तो पानी सफिशियंट देना तो इस तरीके से आप कोई भी फ्रूट जो है उसे उगा सकते हो प्रोवाइडेड वहां पे क्लाइमेट सूटेबल है तो ये थी आज की क्लास अब आप याद कर लेना इन फ्रूट्स के बारे में एक टेबल बना के अपने रूम में चिपका लेना रोज उसे देखोगे तो आपको याद हो जाएगा तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज मेक श्योर यू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब हम फिर मिलेंगे टिल देन टेक केयर 拜拜。Bye bye.